शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए उसकी भी बारीकियां सीखी है। हर टाइम चार्ट के पीछे मत पड़ो सर, न्यूज के पीछे पड़ो, फंडामेंटल के पीछे पड़ो, और जो वो वर्क जमीनी तौर पे हो रहा है उसके पीछे पड़ो और साइकोलॉजी को मजबूत करो सर। तो बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप में सर लगता नहीं आपको कि कोर्ट के सिलसिले इतने हो गए हैं कि अगर हमने LLB की पढ़ाई करी होती तो आज हमें कॉलेज जाने की जरूरत ना होती, हम इसके मैटर से ही आज पढ़ाई कर लेते और सीख जाते, पास भी हो जाते, इतने इसके अंदर केस हो चुके हैं। कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेजोन अब चाह रहा है कि वो फ्यूचर ग्रुप से बारो बार ही इस मामले को सुलटाना चाहता है, सुलझाना चाहता है, और वो कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ये भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। और CCI को जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने 2 पत्र लिख दिए थे, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। और एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सर और आ रही है कि जो फ्यूचर ग्रुप के कर्मचारी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तलाश किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, अपील की है कि अमेजोन को फ्यूचर रिटेल से बाहर किया जाए। चल रही है इसमें हमारी सैलरी भी बेकार जा रही है, हमें डर लग रहा है, 27,000 कर्मचारी उनको डर लग रहा है कि उनका फ्यूचर अब कैसा होगा। तो ये सब के सब जो भी रोड़े जो डाल रहा है अमेजोन वाला डाल रहा है, और उसके चक्कर में वो कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन इसकी जो भी सर इसमें सुनवाई होगी वो 8 दिसंबर को होगी, और दूसरी ग्रुप में जो भी केस चल रहे हैं उसकी सुनवाई भी 8 दिसंबर से होना तय होगी। तो 8 दिसंबर तक तो आपको शेयरों के प्राइस में गिरावट उछाल ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक आपको चीज़ और बता दूं, जितनी समय सीमा इसकी अंबानी जी ने ली थी, समय सीमा से पहले सारे मामले सुलट जाएंगे, क्योंकि अचानक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब के सब अगेंस्ट होते जा रहे हैं अमेजोन के सर। अब कर्मचारी तक हो गए, आप सुनो सर, किसी कंपनी के कर्मचारी उसके विरुद्ध हो गए हैं जो उनकी कंपनी के ऊपर केस कर रहा है। ये कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होती है सर कि कर्मचारी भी इकट्ठे हो गए, फ्यूचर ग्रुप के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है। It's not a game, it's a rich